नमस्कार दोस्तों, हमारे अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों 2023 का नोटिफिकेशन आ गया है और कल उसका रिवाइज नोटिफिकेशन भी आया है, जिसमें टोटल वैकेंसी दोस्तों 229 जो है कर दी गई है। और दोस्तों साथ ही EWS के लिए जो फीस थी SC ST OBC के बराबर रहेगी। दोस्तों कुछ स्टूडेंट हैं वो ये बोल रहे थे कि सर जो है 2023 की जो है तैयारी कैसे क्या करें। देखिए फ्रेंड्स, मैं भी काफ़ी लंबे समय से सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूं और इस बार मेरा जो स्कोर है 140 था और हमारा जो कट ऑफ था 142 था। एक क्वेश्चन से मेरा जो MBBSC प्री है वो रहा है। हालांकि दोस्तों हम कोर्ट केस भी गए हैं और चल रही है प्रोसेस, और एक बार दोस्तों मैं JPSC मेंस लिखा हूँ। ठीक है फ्रेंड, तो मेरा जो अनुभव है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, आपको कैसे क्या तैयारी जो है करना चाहिए। देखिए फ्रेंड, मैं आपको बता दूं MBBSC प्री में दो पेपर होते हैं, एक GS का, दूसरा जिसको आम बोलचाल की भाषा में CSET बोलते हैं। ठीक है, दोनों क्वेश्चन में दोनों पेपर में 100-100 क्वेश्चन आपके आते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है और दोस्तों नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग, यानी कि नेगेटिव मार्किंग दोस्तों इसमें नहीं होती है। ठीक है फ्रेंड्स, दोस्तों कट ऑफ यदि मैं आपको बताऊं तो दोस्तों जनरल कैटेगरी में यदि आप हो तो आप 80% लेके चलिए, SC हो तो 70+, SC ST हो तो 65+, OBC हो तो 75+ कट ऑफ लेके आप चलिए। ठीक है फ्रेंड, यही लगभग 2-3 साल से कट ऑफ रह रहे हैं। दोस्तों देखिए रणनीति, दोस्तों ये जो पहला पेपर है GS का, ये केवल कट ऑफ इसी से बनता है, दूसरा पेपर क्वालिफाई होता है। दूसरे पेपर में दोस्तों रिजर्व कैटेगरी के लिए 30% और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 40% लाना जरूरी है, यानी कि इसमें क्वालिफाई होना जरूरी है और पहले पेपर से दोस्तों आपका कट ऑफ बनेगा। पहले पेपर में दोस्तों यदि हम बात करें तो GS वाले पेपर में दोस्तों 10 यूनिट हैं, जिसमें दोस्तों MPG के हैं। मैं मोटा मोटा आपको जानकारी बता दूं, ऑल इंडिया GK है, जिसमें दोस्तों हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी, आप उस सिलेबस को अच्छे से पढ़ें, करंट अफेयर है, ICT है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और दोस्तों आयोग है, और दोस्तों साइंस है। ये दोस्तों पहले पेपर का जो है सिलेबस है। हालांकि इसमें दोस्तों 10 यूनिट है टोटल मिला के, तो आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले तो आपको जो पूरा सिलेबस है वो कवर करना है। देखिए हमारा जो एग्जाम है 17 दिसंबर का एग्जाम है, तो अभी आपके टाइम आपके पास दोस्तों देखिए अक्टूबर नवंबर लगभग 3 महीने हैं आपके पास। ठीक है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर लगभग 3 महीने हैं, आज 16 तारीख जो है वही है, 3 महीने में आप कर सकते हो। पहले तो दोस्तों आप पूरा सिलेबस पढ़ लें, कोई भी बुक आप ले सकते हो, और हो सके तो नोट्स मंगा सके तो नोट्स मंगा लीजिए। पहले तो दोस्तों सिलेबस वाइज आप पढ़ें, फिर दोस्तों आपको क्या करना है, एक चीज आप कर सकते हैं, यदि आप साइंस के स्टूडेंट हो, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, तो दोस्तों साइंस और ICT वाली यूनिट आपको काफी कुछ इजी लगेगी, तो इसको बाद में कर सकते हो। पहले ये जो और सब्जेक्ट है जैसे MPG के, ऑल इंडिया GK, करंट अफेयर, आयोग, इसको आप पहले कवर कर ले। ठीक है फ्रेंड्स, लगभग दोस्तों आयोग से 10 क्वेश्चन आते हैं, ICT से भी 5 से 10 क्वेश्चन आते हैं, करंट अफेयर के 5 से 10 क्वेश्चन आते हैं। हालांकि ऐसा फिक्स नहीं है, लेकिन दोस्तों ज्यादातर क्वेश्चन जो है आते रहते हैं। तो पहला काम दोस्तों आपको क्या करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद में आपको क्या करना है, पुराने पेपर देखने हैं, कम से कम 5 साल। उसके बाद में दोस्तों हो सके तो मार्केट से या दोस्तों किताब या फिर कोचिंग का टेस्ट पेपर आप जरूर देख लें। ठीक है, ये 3 काम आप जो है कर लें। ठीक है, पहला बहुत ही जरूरी है, दूसरा ये भी दोस्तों बहुत जरूरी है, ये भी काफी ज्यादा
जरूरी है। ठीक है फ्रेंड, इन सभी और डेली आपकी जो स्टडी है 8 से 10 घंटे जो है होना चाहिए एवरेज। डेली आपकी लगातार 3 महीने तक आपकी जो स्टडी है 8 से 10 घंटे जो है होना जरूरी है। और दोस्तों जो दूसरा पेपर है सीसेट का, उसकी भी तैयारी आप थोड़ा करते रहें, थोड़ा मैथ रीजनिंग वगैरह लगाते रहें, डिसीजन वाले क्वेश्चन लगाते रहें और हिंदी थोड़ा पढ़ते रहें, क्योंकि हिंदी बहुत कुछ बहुत डिफिकल्ट हिंदी जो है इसमें पूछी जाती है। हालांकि ये आपको क्वालिफाई हो जाएगा यदि आपकी हिंदी पे अच्छी खासी ठीक ठाक पकड़ है तो। ठीक है फ्रेंड्स, ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। आप 6 घंटे 6 से 8 घंटे जो है तैयारी करें, सिलेबस जो है कंप्लीट करें। पुराने पेपर पीएससी की वेबसाइट पर मिल जाएंगे, हमारे चैनल पर भी प्रोवाइड किए गए हैं। पुराने वीडियो, पुराने पेपर कैसे डाउनलोड करें उस पर भी मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा, तो वो भी आप जरूर देखिए। टेस्ट पेपर किसी भी कोचिंग का, एमपीपीएससी के लेवल का, एमपीपीएससी का जो पेपर है मैं सच बताऊं बहुत ही नॉर्मल आता है। टेस्ट सीरीज में कभी कई बार बहुत हाई फाई लेवल का क्वेश्चन पेपर दे देते हैं, लेकिन असल में एमपीपीएससी का जो पेपर है काफी कुछ इजी आता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। मेरा भी दोस्तों स्कोर काफी ठीक है, इस बार 140 था, 142 कट ऑफ था। हालांकि एक क्वेश्चन से मेरा फ्री जो है रह गया है, जो 2 क्वेश्चन डिलीट हुए थे, और एक बार दोस्तों मैं जेपीएससी मेंस लिख चुका हूं। ठीक है फ्रेंड्स, हालांकि मैं एमपीपीएससी दोस्तों काफी बार दे चुका हूं, 2018 फिर 20 21 22 21 में मेरा स्कोर थोड़ा कम था, 126 था और कट ऑफ तो 142 ही था। इस बार मेरा स्कोर जो है दोस्तों 140 है। तो ठीक है फ्रेंड्स, और कुछ आपकी आपको कुछ क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हो, उसका भी मैं आपको आंसर देने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।